आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेंड्स ये लहसुन किस तरह से गुलाब के प्लांट में ढेरों फूल लाएगा, साथ ही उसको स्वस्थ रखेगा, उसका संपूर्ण विकास होगा और प्लांट हरा भरा रहेगा। तो बने रहिए आप वीडियो में, मैं किस तरह से इसका फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ और किस तरह से ये हमारे गुलाब के प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है, चलिए मैं बात कर लेती हूँ। ऐसी गर्मियों में भी देखिए मेरे प्लांट में किस तरह से फ्लॉरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छे फूल आ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बर्ड्स आ रही हैं, सारे प्लांट में फूल खिल रहे हैं और प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। साथ ही फ्रेंड्स प्लांट बिल्कुल हरा भरा स्वस्थ है, इसमें किसी तरह का रोग नहीं है, सारे प्लांट्स में नई ग्रोथ हो रही है। अभी देखिए इतनी गर्मी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है प्लांट्स, और फूलों का साइज़ भी देखिए आप कितना बड़ा फूलों का साइज़ है। तो ये सब मैं मंथ में एक बार लहसुन से बने फर्टिलाइज़र को इन पर इस्तेमाल करती हूँ, उसकी वजह से ये रिज़ल्ट मुझे मिलता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें एक जार लेना है और हमारा जो लहसुन है उसको हमें छील लेना है, उसकी इस तरह से कलियां हटा देनी है और उसके छिलकों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने लहसुन छिलके, ये देखिए मेरे पास ये छिलके हैं, ये छिलके मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ ही मेरे पास हैं ये एक मुट्ठी प्याज के छिलके, ये भी मैंने छिलके ही इस्तेमाल करे हैं। इस तरह से आपको छिलके निकाल लेने हैं और इनको एक जार में डाल लेना है। मैं ये केवल एक प्लांट के लिए ही बना रही हूँ, यदि आपके पास ज़्यादा मात्रा में प्लांट हैं और आपके पास ज़्यादा छिलके हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो मैंने एक एक मुट्ठी दोनों चीज़ों को ले लिया है और इसको मैं पानी से भर दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स प्याज के छिलके में और लहसुन के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है, जो कि एक एंटी फंगल का काम करता है। यदि आपके प्लांट में किसी तरह का भी फंगस है, फंगस इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये प्लांट को ठीक कर देगा। साथ ही इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट में फूल लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको भिगोकर और 3 दिन के लिए ढककर रख दें। फ्रेंड्स 2 से 3 दिन के बाद देखने पर आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा जो पूरी तरह से गल गया है। इसको मैं ज़रा चेक करती हूँ, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा, ये हमें हमारे रोज़ प्लांट की सॉइल में डाल देना है। साथ ही यदि आपके प्लांट में कीड़े का अटैक है या फंगस लगी हुई है तो फिर आपको इसमें इतनी ही मात्रा में सादा पानी मिलाकर उस पर स्प्रे भी कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं केवल इसको सॉइल में ही डालूंगी, क्योंकि मेरे प्लांट में किसी तरह का अभी फंगस नहीं है और प्लांट अच्छी हेल्दी ग्रोथ कर रहा है, तो इसको मैं सॉइल में डाल देती हूँ। तो इस तरह से आपको भी अपने प्लांट में यूज़ करना है, इससे आपके प्लांट हैं गर्मियों में भी बहुत अच्छी फ्लोरिंग होगी, साथ ही प्लांट में किसी तरह की बीमारियाँ नहीं लगेंगी। और यदि बीमारियाँ लग गई हैं तो आप फिर इस फर्टिलाइज़र में सादा पानी मिलाकर उसको स्प्रे कर दें, सप्ताह में एक एक बार स्प्रे करते हैं तो आपका प्लांट स्वस्थ हो जाएगा। थैंक यू।